छोटा सा उसका बल्ब जो मतलब मूविंग कॉइल के ऊपर आपने पॉइंटर लगाया होता है, जैसे ही हम परमानेंट मैग्नेट के अंदर उसको इंस्टॉल किया हुआ होता है, जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, वो डायल जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है। तो कैलोरीमीटर मल्टीपर्पज डिवाइस है, तो उसको हम एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई वोल्ट मीटर है ही नहीं, तो उसकी जगह पे कुछ अरेंजमेंट करके सर्किट बना के कैलोरीमीटर को एज अ वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्किट चेंजेस कर करने के बाद उसको एज एमीटर भी हम यूज कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का पहला हमारा एप्लीकेशन है टू यूज MCG एज एमिटर, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये MCG मतलब ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इतना लंबा लिखने से मैंने छोटा फॉर्म लिखा है यहाँ पर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सर्किट की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो पहले देख लेंगे। हमारी जो इफेक्टिव करंट कैरिंग कैपेसिटी है शुड टू बी हाई, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी थ्रू द सर्किट, मतलब हमारे जो टोटल आई है फ्रॉम द सर्किट शुड बी हाई। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ जी, मतलब गैल्वेनोमीटर का आपका कुछ रेजिस्टेंस होता है, हमने हर इसमें देखा है कि गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस होता है। मीटर ब्रिज सर्किट में भी हमने विद हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज सर्किट हमने देखा था कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बातों के लिए अभी गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम करने के लिए हमें भी कुछ सर्किट में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब अगर गैल्वेनोमीटर हमको जहां पे करंट कैलकुलेट करना है, सपोज आई हैव टू मेजर, अभी ये करंट आई है, आपका रेजिस्टर आर है, और इसकी सीरीज में अगर हम कैलोरीमीटर कनेक्ट करते हैं, जिस भी रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट कैलकुलेट करना है उसके सीरीज में हम कैलोरीमीटर को कनेक्ट करते हैं। अभी इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस मिलके यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये निगलेक्ट करने के लिए या फिर इसको जीरो करने के लिए, जीरो के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके सीरीज में कुछ सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सपोज मैंने एक स्मॉल कैपेसिटी का रेजिस्टर, स्मॉल रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टर है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, सपोज रेजिस्टेंस इज एस, और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट। ये बाहर जाके और पूरा आई मिलेगा, हाँ वो आई नहीं है, ये देखो ये गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाएगा आई जी, उसके बाद में यहाँ पर भी होगा आई जी और ये होगा आई एस, करंट थ्रू रजिस्टर एस। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर तीन पॉइंट ज्वाइन हो रहे, वन टू और थ्री, तो ये जंक्शन बन गया। तो यहाँ पर जब जंक्शन में आई करंट आएगा इट विल डिवाइड टू टू पार्ट्स, आई जी में और आई एस में। तो इससे क्या होगा कि आपकी हायर इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है, जो इफेक्टिव करंट है आपका, तो उसकी वजह से मे भी आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो सकता है, नाजुक सी चीजें होती है ये सारी, तो एक्स्ट्रा करंट या फिर ज्यादा करंट अगर आप उसमें से पास करेंगे तो मे भी कुछ डैमेज हो जाए। तो डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक पैरेलल में उसको एक छोटा सा रजिस्टर जो है वो कनेक्ट कर दिया, इसके गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है जी, सपोज कंसिडर कर लीजिए कि जी उसका रेजिस्टेंस है और एस ये दूसरा रेजिस्टेंस है जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। इससे क्या होगा कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स, इक्वल नहीं कह सकते लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो कैलोरीमीटर में से एज पर उसकी रिक्वायरमेंट या फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से एज करंट पास होगा। और यहाँ पे शंट इसको कहेंगे, शंट हमने दिया तो इस शंट में से जब करंट पास होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाकर करंट रिड्यूस होने की वजह से आपका डिवाइस को प्रोटेक्ट भी करेगा और यहाँ पर करंट इंटेंसिटी को भी बनाए रखेगा, इफेक्टिव करंट इंटेंसिटी। तो दोनों हमारे पर्पस जो है वो हमको मिल जाएंगे, अचीव हम कर लेंगे। तो सपोज ये सर्किट डायग्राम है, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन। अभी कंसीडर कर लेते हैं पहले आई इज इक्वल टू, यहाँ पे जंक्शन पे देखिए एट जंक्शन आई जी प्लस आई एस। तो अगर हमको शंट का करंट निकालना है कि इस रजिस्टर में से करंट कितना पास हो रहा है, तो आई एस विल बी इक्वल टू
आई माइनस आई जी, सिंपल सा इक्वेशन। उसके बाद में पोटेंशियल, अभी देखिए जो जो हम कनेक्शन पैरेलल में देते हैं देयर आर इक्वल पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर भी होगा, सिमिलर पोटेंशियल होगा ना, इक्वल पोटेंशियल पे दोनों में। तो अभी इनका का अभी इस रजिस्टर में से मतलब जी का रजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस है जी, इसका रजिस्टेंस है एस, करंट जी को दोनों का आई जी, और इसमें से हो जाएगा आई एस, मतलब पोटेंशियल दोनों का देखिए वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, वी नो वी इज इक्वल टू आई आर। तो वैल्यू पुट करते हैं, अभी दोनों पैरेलल है इसलिए इक्वल, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, ये इक्वेशन आपको मिल गया। अभी इसके ऊपर से हम इजीली रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है फॉर शंट रेजिस्टर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस विल बी इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई एस, वैल्यू मिल गया। अभी हमको पता है कि आई एस इज इक्वल टू क्या, ये जो इक्वेशन में हमने वैल्यू मिला है यही हम यहाँ पर पुट करेंगे, आई जी इंटू जी। आई एस का क्या है, आई माइनस आई जी। तो दिस इज योर वैल्यू फॉर शंट रेजिस्टेंस, मतलब कितना रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना है अक्रॉस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर। तो ये हमको विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला पता चल जाए। तो ये फॉर्मूला एक और चीज के लिए काम आता है कि करंट रेंज क्या है आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू, करंट का रेंज क्या होगा, दैट कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस फॉर्मूला। यहाँ पर लिख लेते हैं आइडेंटिफाई रेंज ऑफ करंट। अभी क्या होता है हर डिवाइस में, सिंपली आपका कोई भी मेजरेबल डिवाइस हो, स्केल भी हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो लिखा होता है और लास्ट पॉइंट पे कुछ 25 सेंटीमीटर ऐसे कुछ लिखा होता है। तो ये क्या हो गया, जीरो टू 25 ये हो गया इसका रेंज, मतलब जीरो से लेकर 25 सेंटीमीटर तक ये कैलकुलेट कर सकता है या फिर मेजर कर सकता है। तो ये रेंज जो है इस फॉर्मूला से हम रेंज पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक ये करंट कैलकुलेट कर सकता है या मेजर कर सकता है। अभी अगर इस आई इज एन टाइम्स ऑफ आई जी, अभी अगर आई इज एन टाइम्स, अभी ये जो करंट है यहाँ से ये हायर इंटेंसिटी का होगा कंपेयर टू दिस करंट, क्योंकि यहाँ पर ये शंट में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, ये n टाइम्स है सपोज, टू टाइम्स फोर टाइम्स n टाइम्स वी कैन कंसीडर। तो n टाइम्स अगर है तो ये क्या होगा, i इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ i जी। तो ये वैल्यू हमको जो मिले हैं हम यहाँ पर पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला, s इज इक्वल टू i जी अपॉन एन आई जी माइनस आई जी इंटू जी। तो ये क्या होगा, हम आई जी अगर बाहर निकालेंगे, आई जी कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन निकालने के बाद में सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा जी अपॉन एन माइनस वन, मीन्स एस इज इक्वल टू g upon n minus 1। एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, दिस इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज शंट n टाइम्स। अगर हमको शंट बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है, अगर हमको डिवाइस का जो रेंज होता है वो अगर बढ़ाना है, सपोज मुझे टू टाइम बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर शंट भी बढ़ाना होगा। तो शंट कितने से बढ़ाना है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो कितने
टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे ये उतने टाइम मेरे को करंट इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर स्केल जो है मेरा उतने टाइम्स लार्जर हो जाएगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, यू कैन इंक्रीज एन टाइम्स शर्ट। तो ये फॉर्मूला है कि कितने टाइम्स आपको इंक्रीज करना है शर्ट, तो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ करंट आउटपुट, या फिर जो आपको मेजरमेंट करना है, रेंज बढ़ाना है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, अब हमें पता है कि शंट रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट आईएस है, तो रिमेनिंग करंट कितना होगा? तो ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर से हम रिमेनिंग करंट मीन्स आईजी, आईएस हमको पता है, तो आईजी हम डिटरमाइन कर सकते हैं आई माइनस आईएस। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, मतलब आईजी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, आई जी की वैल्यू आएगी आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, आई जी माइनस आई एस जी इज इक्वल टू आई एस एस। अभी जो सिमिलर टर्म्स है, मतलब आई एस वाले टर्म्स है, वो मैंने एक ही साइड कर ली, आई जी इज इक्वल टू आई एस एस प्लस आई एस जी, कॉमन निकाल लिया आई एस को, तो मुझे मिलेगा, हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई एस को कॉमन निकाल लिया एस प्लस जी। अभी हमको अगर रेशियो निकालना है आई एस अपॉन आई जी, सॉरी आई कंप्लीट आपका आई टोटल कर विल बी इक्वल टू एस प्लस, माफ कीजिएगा, ये जी जो है वो ऊपर आएगा एस प्लस जी, दिस विल बी योर वैल्यू। ये क्या मिलेगा हमको इस फॉर्मूला से, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द रेजिस्टर, शंट रेजिस्टर, ये क्या है आपका फ्रैक्शन ऑफ शंट रेजिस्टर का करंट फ्लोइंग का वैल्यू। तो इस फॉर्मूला से ये एक दो और ये तीन फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसके ऊपर छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगला वाला देखते हैं हम, कैल्वेनोमीटर, हाउ टू यूज द कैल्वेनोमीटर एज पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, मतलब वोल्ट मीटर के जैसे उसको कैसे हम यूज कर सकते। दोस्तों सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा हाउ टू यूज द कैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्जन के लिए हमारा जो प्राइमरी सर्किट है उसके साथ में हमें एक ऑक्सिलरी सर्किट लगा लेंगे, ये बॉक्स जो दिया है दैट इज योर ऑक्सिलरी सर्किट, की कैल्वेनोमीटर के साथ में हमको और क्या कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले सर्किट में देखा था कि जब हमको करंट मेजर करना होता है तो हम कैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब जिस रेजिस्टर के थ्रू हमको करंट मेजर करना है उसकी सीरीज में हम कैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अभी जब हमको वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज भी मेजर करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस इसको कैल्वेनोमीटर को लगाएंगे, मतलब पैरेलल में लगाएंगे। लेकिन कैल्वेनोमीटर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो कंपेयर टू दिस रेजिस्टर जो है वो कम है, ठीक है, एंड दिस उसका कुछ ना कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज होता ही है कैल्वेनोमीटर का। लेकिन जब हमको वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि जो भी मेजरिंग डिवाइस है, मतलब वोल्ट मीटर हो या फिर पोटेंशियोमीटर हो या फिर कैल्वेनोमीटर हो, तो उसको हायर रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसका हायर रेजिस्टेंस होगा तो खुद से करंट ड्रॉ नहीं करेगा, जो करंट ड्रॉ होना चाहिए वो ड्रॉ करने से उसको रेजिस्ट करेगा, तो उसकी वजह से जो वैल्यू हमको मेजर करनी है एज इट इज वो मेजर हो पाएगी, वो रेजिस्टेंस हायर होने के बाद एज इट इज मेजर हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमने ये सिर्फ कैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो लोअर रेजिस्टेंस इसके अंदर भी है, तो इसकी कारण क्या होगा, वो करंट ड्रॉ करेगा,
तो जो वैल्यू मेजर करनी है वो रिड्यूस होके मेजर होगी। तो ये निगलेक्ट करने के लिए हायर वैल्यू का जो रजिस्टर है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है इन सीरीज विद गैलोनोमीटर। तो ये सारा कनेक्शन जो है ये इसके अक्रॉस हमने फिट कर दिया। तो एक्स इज द रजिस्टर हैविंग हायर रेजिस्टेंस वैल्यू। इसका एक और फायदा कैसे है कि जैसे आपका हायर वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो वो हायर वोल्टेज वैल्यू से क्या होता है कि आपका बेबी गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये डैमेजेस प्रिवेंट करने के लिए भी ये हायर वैल्यू का रजिस्टर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइस को। तो ये उसका एक एप्लीकेशन हो गया। तो हमको जैसे पता है कि एक्स रजिस्टर का जो वैल्यू है, एक्स का रजिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, V, ये जो टोटल पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू आई आर है हमको पता है। तो हमको I पता है लेकिन ये दो रेजिस्टर्स है, जी का भी रेजिस्टर्स कुछ ना कुछ होगा, दैट वी हैव टेकन एज कैपिटल जी। तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी, ठीक है। मतलब दोनों का जो है अलग अलग हमने रेजिस्टेंस लिया, पोटेंशियल लिया, तो ये दोनों का मिला के ये होगा टोटल पोटेंशियल भी। तो आई जी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस आई जी जी, याद रखिएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसको डिवाइड बाय आई जी कर लेंगे, मतलब बोथ साइड्स को हमें आई जी से अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ का आई जी जो है वो कट हो जाएगा। वी को वी अपॉन आई जी माइनस, ये आई जी कट हो जाएगा अपने आप, उसके बाद में माइनस जी, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एक्स का वैल्यू। यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एक्स इन टर्म्स ऑफ वोल्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अभी इस फॉर्मूला में आई जी क्या है, आई जी इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अभी इसका रेजिस्टेंस लो होने की वजह से वो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने हायर रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर दिया इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आगे क्या होगा कि रेजिस्टेंस एक्स हमको पता है, लेकिन उनको एक फैक्टर निकालना है। जैसे हमने करंट्स का रेशियो निकाला था, एमीटर का जो फैक्टर निकाला था कि किस मतलब कितनी इंटेंसिटी से हमको जो है पोटेंशियल बढ़ाना है या फिर रेंज बढ़ानी है, मेजरमेंट की जो रेंज है वो बढ़ाने के लिए कितने टाइम्स हमको शंट बढ़ाना पड़ेगा, ये हमने देखा था वो आई एंड आई जी के रेशो से। उसी तरह से एन वी इज फैक्टर अफेक्टिंग वोल्टेज रेंज। एम वी ये फैक्टर है, सपोज एम वी इज इक्वल टू वी अपॉन वी जी, वी जी मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अभी यहाँ पर एक्स नहीं पूछा है, केवल वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हम देखने वाले हैं। तो वी एज इट इज और वी जी क्या आएगा, आई इंटू आर, तो आई जी इंटू जी, ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप एन वी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम्स आप आपका जो वोल्टेज रेंज है वो बढ़ा सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अभी एक काम करते हैं कि ये जो हमको फॉर्मूला मिले, ये फर्स्ट वन, दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला, और अगर जो इंक्रीज वोल्टेज रेंज इंक्रीज करने के लिए कितना हमको रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा एक्स का, दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो ये 1, 2 और 3 फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक छोटी सी नोटबुक बनाने की आदत डालें कि उसमें चैप्टर वाइज आप फॉर्मूला लिख लें, और वेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपका सिलेबस कंप्लीट होने को आएगा,
नोटबुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स के साथ में आप याद भी कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी एक कोने में ये जो फॉर्मूलाज हमने डिटरमाइन किए विद द हेल्प ऑफ दिस कैलोरीमीटर को हमने एमीटर के लिए यूज़ किया था, तो उसके साथ में हमने फॉर्मूला जो डिराइव किए थे उसका और इन तीनों फॉर्मूलाज का एक लिस्ट में इस कोने में लिखती हूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। दोस्तों देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। A moving coil rather figure has resistance of 100 ohm and its full scale diffraction current is 100 microampere. ये देखिए micro ampere है यहाँ। What shunt resistance should be added so the ammeter can have range 0 to 10 milliampere? तो हमको क्या क्या दिया है पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमको दिया है रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये देखिए मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर हैज रेजिस्टेंस, मतलब हमको दिया है जी, रेजिस्टेंस जी इज इक्वल टू 100 ओम। इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पीयर, मतलब करंट जो है थ्रू द कैलोरीमीटर आई जी इज 100 माइक्रो एम्पीयर। अभी यहाँ पर रेंज तो मेरे यहाँ पर भी दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे मिली एम्पियर में। तो पहले बता दूं कि 1000 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे वी विल गेट 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, आई जी हमको मिल गया। तो यहाँ पर पूछा है शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब एस का वैल्यू पूछा है, व्हाट विल बी योर एस so that the ammeter have range of 0 to 10 milliampere. अभी 10 milliampere क्या है? तो ये maximum value of your current है to be measured. तो maximum कितनी range तक की है, कितना value आपका current जो है वो measure कर सकता है by using this moving coil galvanometer. तो ये हम as I लेंगे, because ये full current हो गया आपका, I is equal to 10 milliampere. विद द हेल्प ऑफ दिस हमको पहले क्या निकालना है, एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास आई जी है, आई है, तो आई जी और आई को यूज करके एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूला जो आता है ये रेंज से रिलेटेड काम है एन। सो एन इज इक्वल टू उसी फॉर्मूला को मैनिपुलेट करेंगे आई अपॉन आई जी, वैल्यू बुक कर दो, आई कितना है आपका n upon ig 0.1 will be equal to 100 i, so value is 100 आपका आ गया। उसके बाद में n हमको पता है, g हमको पता है, तो इस वैल्यू से हम इजीली s कैलकुलेट कर सकते हैं, s is equal to g upon n minus 1। ये देखिए आपका फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये लिस्ट बना के रखी। आप अगर ऐसे लिस्ट बना के रखते हैं तो आपको इजी हो जाता है सॉल्व करना, कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे ही सॉल्व करें। जी का वैल्यू है 100, एन इज 100 माइनस 1, 100 अपॉन 99 ओह, क्योंकि एस इज योर रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका आंसर। तो मुड़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आप बोलोगे इतना छोटा सा न्यूमेरिकल, तो आपको इस टाइप के अगर कैलोरीमीटर से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो छोटे छोटे ही आने वाले हैं, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा, वॉट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20% मेन करंट टू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 20% ऑफ मेन करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट आई जी ये कितना है 20% ऑफ मेन करंट, मेन करंट आई एन। तो इसको इसका कन्वर्ट हो जाएगा आई जी इज इक्वल टू 0.2 आई, वैल्यू मिल गया हमको आई जे का। उसके बाद में हमको दिया है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, देखो यूनिट है क्या, ओहम में दिया है, इसलिए जी इज इक्वल टू 99 ओहम।
हम सबको ये आई जी पता है, आई हमको पता है, जी पता है, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, शंट निकालना है, शंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यू बुक करते हैं, आई जी का वैल्यू क्या है, 0.2 आई इंटू जी, जी का वैल्यू कितना है 99 अपॉन आई माइनस आई जी। तो आई का वैल्यू क्या है, टोटल पूरा 100% मतलब 1 माइनस आई जी क्या है 0.2 आई। ये अगर आई लेंगे ये आई होगा, वैल्यू क्या मिलेगा 0.2 आई इंटू 99 अपॉन 0.8 आई। आई आई कैंसिल हो गया 1 4, इधर वो 4 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 बचा 8, 4 3 4 4 16 बचा 7 5। तो दिस विल बी योर वैल्यू फॉर शंट रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ योर शंट रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आप सॉल्व करने की आदत डालिए। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मूविंग और गैल्वेनोमीटर का, जो वोल्ट मीटर एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमारे अगले न्यूमेरिकल जो है वो है। थर्ड न्यूमेरिकल है दोस्तों हमारा रिलेटेड टू योर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट या फिर पोटेंशियल मेजरमेंट। और गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। अभी यहाँ पर हमको जो भी दिया है लिस्ट आउट करते चलेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम। एट इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 mA, मतलब आई जी इज इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर दिया है। अभी माइक्रो एम्पियर का कन्वर्जन हमको एम्पियर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है वो हम मिली ओम या फिर मिली वोल्ट में नहीं दिया है, इसलिए सीधा इसका कन्वर्जन हम करेंगे एम्पियर्स में। तो 25 × 10⁻⁶ एम्पियर। -6 इसलिए लिया क्योंकि अगर -3 लेंगे 10⁻³ तो उसका कन्वर्जन होगा मिली एम्पियर में, और ये हो गया एम्पियर्स में, इसलिए 10⁻⁶। आई जी के लिए वॉट इज द रेजिस्ट, वॉट रेजिस्टर शुड बी एडेड टू इट टू हैव रेंज ऑफ 0 to 10 volt। अभी रेंज मतलब हमको रेजिस्टेंस हमने याद है आपको एक्स रेजिस्टेंस हमने ऐड किया था टू द गैल्वेनोमीटर, तो ये एक्स की वैल्यू हमको ढूंढनी कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस एक्स। तो यहाँ पर हमको बाकी तो वैल्यू पता है, अभी 0 to 10 volt मतलब वी भी पता है हमको, वी इज इक्वल टू 10 volt। तो फॉर्मूला हमको 1 2 3 चीजें पता है, तो तीनों चीजों के हिसाब से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, वैल्यू बुक कर देते जी वोल्टेज m आई जी 25 × 10⁻⁶ माइनस जी है 25 एम्पीयर। सो योर वैल्यू विल बी 399.975 × 10³। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ एक्स। देखते हैं दोस्तों अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल में दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स वोल्टमीटर एमीटर अगर दोनों जैसा हमने यूज किया तो उसके कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, दैट विल बी सीन नेक्स्ट एग्जांपल। आज का हमारा लास्ट एग्जांपल है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम। यहाँ पर जो जो दिया है हाथ के साथ लिस्ट ऑफ करेंगे, रेजिस्टेंस है 14 ओम, has current of 4 ampere, 4 micro
शेयर करना ना भूलें।